बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज फैसल है। ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी मुनफरिद होने वाली है। इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में ऐसी कौन सी जगहें हैं जिनको आपको जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से इनकी एक तरतीब बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे मैंने बेसिकली टॉप 5 ऑप्शन आपके लिए इसमें जो है वो निकाले हैं। सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है बहरिया टाउन को। विदाउट एनी डाउट इसके रखने की रीज़न मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहरिया टाउन के साथ साथ मैंने बहरिया इनक्लेव को भी इसमें जोड़ा है, क्योंकि पर्सनली बहरिया इनक्लेव मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा साइड पे और थोड़ा सा सुकून वाली जगह है और खुशादा भी है, वहाँ का एक अलग एम्बियंस है। तो बहरिया टाउन, बहरिया इनक्लेव, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सेकेंड पे CDA के वो सेक्टर्स जो कि डेवलपमेंट जहाँ पर शुरू हो चुकी है, जहाँ पर काम चल रहा है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। CDA सेक्टर्स होते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इस्लामाबाद का हिस्सा होते हैं और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ वक्त में जो है ये आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फंड्स हैं इसके लिए भी आपको कैश इन हैंड चाहिए, एक अच्छा है अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, हमारे पास CDA के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अवेलेबल ऑप्शन हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता करें, हम आपको इसके हवाले से भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड पे CDA सेक्टर्स को रखने की सबसे अहम रीज़न ये भी है कि G11, G15 ये सेक्टर्स एक वक्त यहाँ पे कोई आया भी नहीं करता था और आज इनकी आप वैल्यू देखें। ठीक है, चक्री इंटरचेंज की साइड पे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनका इनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं और ये अब डिस्टेंस जो दूर वाला मामला था वो अब निमटता जा रहा है और लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थर्ड पे मैंने रखा है पार्कव्यू सिटी को, और पार्कव्यू सिटी को रखने की सबसे अहम वजह ये है कि ये वाहिद सोसाइटी है जो CDA में फॉल करती है और इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इंस्टॉलमेंट के ज़रिए जो है प्लॉट बुक करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह पे है, बैरियन क्लेव के साथ ही बना हुआ है, अच्छा माइंडसेट है, अच्छा प्लान है पार्क व्यू डाउनटाउन कमर्शियल का, दुबई की तर्ज के ऊपर जो इन्होंने कमर्शियल बनाना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो इनकी मार्केटिंग का लेवल देखें तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये भी एक जो है आने वाले वक्तों में आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, फोर्थ पे बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैंने रखा है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट की है वो आपके सामने है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो आपके सामने। कोई भी प्रोडक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी का नेगेटिव में नहीं है इस वक्त। हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि कुछ लोग मतलब नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है। जब जाहिर बात है जब सोसाइटी एक दफ़ा लॉन्च होती है तो काफ़ी अप्स एंड डाउन जो उसको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब करंटली जिन्होंने उस वक्त होल्ड कर लिया था वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर हैं। ठीक है, लाहौर स्मार्ट सिटी भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैंने जो आपको फर्स्ट 3 ऑप्शन बताए हैं उसके अंदर आपको कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक मॉडरेट टाइप का आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप एक अच्छा सा ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 30-35 लाख 20 लाख 20 और 40 के दरमियान आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, अगर थोड़ा सा ढूंढना पड़े तो आपके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, 5th के ऊपर मैंने रखा है 3-4 सोसाइटीज़ हैं जिनको मैंने इकट्ठे रखा है, उनको मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी, ठीक है, किंगडम वैली, रूडन इनक्लेव और 7 वंडर्स। इसकी रीज़न ये है, देखें ये सारी जो है वो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, आप एक एक 1.5-2 लाख रुपए से जो है वो इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड की बात की जाए, ब्लू वर्ल्ड की डेवलपमेंट इज़ अ की। ठीक है, करंटली इनके पास NOC नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट जिस तेज़ी से वो कर रहे हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को वो एक मतलब उस तरह से टक्कर तो नहीं दे रहे, लेकिन ये कि लोकेशन इनकी उसी हिसाब से चलती है और डेवलपमेंट का काम भी, समझे अगर कैपिटल 100 पे है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी 75-70 के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो डेवलपमेंट का काम थोड़ी तेज़ी से जा रही है और डेवलपमेंट ज़की। ठीक है, अब किंगडम वैली की बात की जाए, ब्लू वर्ल्ड से भी ज़्यादा सस्ते में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, और प्लस ये कि NOC इनके पास मौजूद है, डेवलपमेंट इनकी थोड़ी सी ब्लू वर्ल्ड से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन ये है कि लो कॉस्ट स्कीम है तो आपके माइंड में होता है कि यार आप 12 लाख में 5 मरले का आपको प्लॉट मिल जाता है 12-12.5 लाख में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। 5th का जो 3rd मैंने आपके सामने रखना है वो है रूडन इनक्लेव, और रूडन इनक्लेव को मैंने इसलिए रखा है, एक तो उसकी लोकेशन,
लोकेशन बहुत आइडियल है। अगर रूडन इनक्लेव ने डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया, जिस बेस पे कैपिटल स्मार्ट सिटी कर रहा है या इवन ब्लू वर्ल्ड सिटी भी कर रहा है, तो ये इनसे आगे निकल सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है। रूडन इनक्लेव जो थोड़ा सा पीछे की तरफ है, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। इनकी डेवलपमेंट वीक है। इनके साथ इदारे बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। इनकी लोकेशन बहुत आइडियल है। इनके पास रिंग रोड का एक्सेस आने वाला है, ठीक है। रिंग रोड इनके अंदर से गुजरेगा, प्लस दो डैम्स इनके साथ लगते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है इनके लिए। लेकिन इनको डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा मजीद जो है वो फोकस देना पड़ेगा। अब वो लीगल कुछ इनके एस्पेक्ट से जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है RDA के NOC के बाद ये इसके ऊपर तेज़ी दिखाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने ये तेज़ी दिखाई तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि भाई ये 3 या 4 पे भी स्टैंड कर सकता है, क्योंकि इनके पास लोकेशन आइडियल है, इनके डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग है, इनके कंसल्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से जो है रूडन इनक्लेव का नाम रखा गया है। फोर्थ के ऊपर जो मैंने रखा है वो 7 मंडल्स इस्लामाबाद को। अच्छा, 7 मंडल्स की लोकेशन भी अच्छी है, थोड़ी सी हटके है लेकिन लोकेशन अच्छी है। इसके डेवलपर्स को पर्सनली ये है कि मैं विटनेस कर चुका हूँ, मेरी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट भी इनके साथ रही हैं, तो ये डिलीवर कर चुके हैं अपने रिसेंटली, क्योंकि कराची में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, बाकी 3 प्रोजेक्ट्स की तरह लो कॉस्ट स्कीम है। इस वजह से जो है वो 7 मंडल्स इस्लामाबाद को रखा है। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को इख्तिताम करने लगा हूँ, और अपने फीडबैक का जो है आप इजहार कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से जिसको मैंने मेंशन किया है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, भले वो CDA सेक्टर हो, भले वो कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो इस्लामाबाद रावलपिंडी का, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जो है वो बेहतर और अच्छी जो है वो सर्विसेज और आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।